एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरा अमित शाह का होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सियासी झटके ममता बनर्जी को लगेंगे। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। भारत माता की जय श्री राम। हमारा सोनार बंगला कहाँ गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बंगला को ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर ममता के गढ़ में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे मित्रों, सोनार बांग्ला। वो हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है। अमित शाह बजाएंगे बीजेपी का डंका, डोलेगा दीदी का सिंहासन। जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा जिस सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के साथ। अमित शाह की रैली में टीएमसी के बागियों का फिर ऐसे ही लगेगा जमावड़ा। जय श्री राम, भारत माता के। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह अपने इस दौरे पर एक बार फिर ममता सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह और तेज करेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नई जान फूकेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह के इस दौरे के दौरान टीएमसी के कई बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह तब बंगाल पहुंचे थे जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। अमित शाह के दौरे में ही शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगा था और इस बार भी माना जा रहा है कि अमित शाह के दौरे में ही ममता बनर्जी के कई बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।